हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है चंदन श्रीवास्तव। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैस्टर ऑयल के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, कैस्टर ऑयल का कैसे हम सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने बालों के झड़ने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही साथ अपने नए बालों की ग्रोथ कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, नए बाल आ सकते हैं अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यार वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सबसे पहले आप वो वीडियो देख पाएं। तो यार मैं सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कैस्टर ऑयल को हम अरंडी के तेल के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आप में से काफ़ी सारे लोग इसे इस तेल के बारे में जानते रहेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखिए, कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल काफ़ी सारी चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि आपकी रूखी सूखी स्किन के लिए, अगर आपके चेहरे पर ग्लो नहीं है तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह हैं तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फटी एड़ियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ बालों की समस्याओं को लेकर। जी हाँ फ्रेंड, हेयर फॉल की आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपकी स्कैल्प थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगी है, तो आप अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं कैस्टर ऑयल का, तो आप अपने बालों के झड़ने की समस्या से तो छुटकारा पा ही सकते हैं और साथ ही साथ आपके नए बालों की ग्रोथ भी होगी। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास है कैस्टर ऑयल, जो कि मैंने 50 ग्राम का पैक लिया है। आप इसे देख सकते हैं, मुझे मात्र 40 रुपये का मिला है। अगर आपके इधर आपके यहाँ भी मिलता हो, कई सारी देखिए इसके कैस्टर ऑयल अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। एक्चुअली मैं डाबर का ढूंढ रहा था लेकिन मुझे वो मिला नहीं, लेकिन आपको जो भी मिलता है आप उसे ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी कंपनी का ही लेंगे तो ही ये वर्क करेगा। तो यार देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसे हम सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें कि हम अपने बालों की हेयर ग्रोथ कर सकें। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल जो है मैंने काफ़ी समय पहले किया था। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने दिखाया है कि मैंने अब तक कौन कौन से तेल का इस्तेमाल किया है, तो उसमें मैंने कैस्टर ऑयल के बारे में दिखाया था। जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से पता होगा। तो यार देखिए, कैस्टर ऑयल को मैंने यूज करते करते मुझे तकरीबन 1 या 1.5 मंथ या उससे भी कम समय तक मैंने इसे यूज किया था। एक्चुअली छोटे छोटे पिंपल्स मेरे सर में निकलने लगे थे, इस वजह से मैंने इस तेल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। लेकिन मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ बिल्कुल दो आसान तरीके। जी हाँ फ्रेंड, एक थोड़ा सा मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, एक थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप अगर दूसरा तरीका अपनाते हैं तो आप अपने बालों हेयर रिग्रोथ कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने बालों के झड़ने की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो यार देखिए, पहला तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको देखिए, सबसे पहले कैस्टर ऑयल लेना है, आप ये कैस्टर ऑयल ले सकते हैं। आपको इसे 1 चम्मच निकालना है। देखिए बिल्कुल, आप देखिए डायरेक्ट आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल डायरेक्ट अपने सर पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा तेल है होता है। आप इसे अगर हाथ में लेंगे तो आपको खुद महसूस होगा बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो आप इसे डायरेक्ट आप अपने स्कैल्प में नहीं लगा सकते। 1 चम्मच आप कैस्टर ऑयल को लीजिए, 2 चम्मच आप नारियल के तेल इसमें मिलाइए, ऐड करिए, और आप अपने फिंगर, जी हाँ, आप अपने उंगलियों की मदद से, फिंगर की मदद से आप अपने बालों की जड़ों में लगाइए, ना कि आप अपने बालों में, आप अपने बालों के रूट में, मतलब आप जहाँ आपके बालों की रूट है वहाँ पर आप इसे लगाइए। हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए अपने बालों पर। इसे आप रात भर भी छोड़ सकते हैं आप लगा कर इसे। आप मॉर्निंग में या किसी अच्छे शैम्पू से आप इसे धो लीजिए। वीक में आपको 3 बार ये प्रोसेस करना है अगर आपके नॉर्मल हेयर फॉल है तो। अगर आपको बालों के झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा है तो आप जो मैं दूसरा तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, ये तरीका आप बिल्कुल फॉलो करिएगा। आपको यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो यार देखिए, सबसे पहले आपको कैस्टर ऑयल लेना है, उसके बाद आपको उसमें मेथी, जी हाँ फ्रेंड, मेथी और कलौंजी के बारे में आपने सुना होगा, कलौंजी जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे बालों के हेयर रिग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको मेथी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं मेरे हाथ में है मेथी, जो कि मैंने 5 रुपये का पैकिंग किया हुआ है, आप इसे देख लीजिए। मेथी आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी किराने स्टोर पे। और दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको मैं दूसरा दिखा देता हूँ कलौंजी, जो कि बिल्कुल आपको ये भी किराने स्टोर पे मिल जाएगी। ये देखिए, मैंने 5-5 रुपये का पैकिंग इसलिए करवाया कि मुझे आपको वीडियो में दिखाना था। आप इससे ज़्यादा भी आप 10 रुपये का 20 रुपये का भी ले सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो देख, सबसे पहले करना क्या है आपको, देखिए कलौंजी को आपको पीस लेना है। जी हाँ, आप मिक्सर की मदद से आप इसे पीस लीजिएगा, आप इसका पाउडर बना लीजिए। और दूसरा आपको मेथी को भी पीस लेना है मिक्सर में, आपको इसे भी आप पाउडर बना लेना है। जो है कैस्टर ऑयल लेना है आपको, आप अपने बालों की, देखिए आप अपने बालों की लंबाई के हिसाब से आपको आपको ये तेल बनाना है। आप सबसे पहले क्या करिए, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, अगर आप थोड़े आप लंबे बाल रखते हैं तो आप इस, तो फ्रेंड 2 चम्मच आप कैस्टर ऑयल लीजिए और उसके साथ नारियल का तेल, आप इसे थोड़ा ज़्यादा
मात्रा मिलाई है, आप इसे 4 चम्मच ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच आपको लौंजी पाउडर लेना है, आपको 1 चम्मच आपको मेथी पाउडर लेना है। इन सबको अच्छे से मिक्स करके आपको एक मतलब बिल्कुल ऑयल की तरह बना लेना है। या पेस्ट भी बन जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आप इसे बालों की जड़ों में अप्लाई करिए वीक में। फ्रेंड देखिए, दोनों तरीकों को आपको वीक में 3 बार फॉलो करना है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन। आप इसे कंटिन्यू लगाते हैं तो आप देखेंगे 2-3 महीने बाद आपके नए बालों की हेयर रिग्रोथ भी शुरू हो जाएगी और बालों की झड़ने की समस्या बिल्कुल कम हो जाएगी। तो फ्रेंड आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करिए। अब आप इसी 2 तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो दोनों तरीकों में से देखिए, दूसरा तरीका थोड़ा सा मुश्किल है। आपको ये सारी चीज़ें ला के मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पीसनी पड़ेगी, पाउडर बनाना पड़ेगा। लेकिन आप दूसरा तरीका अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपके बालों की झड़ने की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए, अब आपको मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या होने वाली है। देखिए, प्रॉब्लम मुझे जो हुई थी, मेरे मतलब एक्चुअली सर में पिंपल्स निकलने लगे थे। अगर आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके सर में पिंपल्स वगैरह निकल रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस तेल का इस्तेमाल ना करें। भी ज़्यादा आपको पिंपल्स निकलने लगेंगे तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, इसलिए आप इस तेल का इस्तेमाल ना करें। अगर आप इन देखिए नारियल के तेल में आप इसे ऐड करके लगाएंगे तो हो सकता है आपको पिंपल्स ना निकले। अगर आपको निकलता है तो आप इस तेल को बिल्कुल आप इस्तेमाल ना करें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।